हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर किचन तड़का मार के विथ नीलू। आज मैं कुछ फ्रेश वेजेस पनीर और चिकन को बारबेक्यू करूंगी और उसका पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे इसे मैरिनेट किया जाता है और कुक किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। आज मैं कुछ ग्रीन वेजेस को बारबेक्यू करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है शिमला मिर्च, बेल पेपर येलो वाले और रेड वाले, मशरूम, टमाटो, अनियन और कुछ गार्लिक, ये छोटे वाले गार्लिक है जो लोग ऐसे ही खाते हैं। पनीर मैंने यहाँ पे 400 ग्राम लिया है। सारे सब्जी को अच्छे से साफ करके धो ले और धोने के बाद इस तरह से कट लगा ले। बहुत बारीक नहीं काटना है जिससे बारबेक्यू करने में आसानी हो, और इस तरह से कट कर ले। मशरूम को भी मैंने आटे से अच्छे से साफ कर लिया है, इसे धो करके इसके भी इस तरह से पीसेस बना देंगे। बेल पेपर को साइड से इस तरह से कट कर लेंगे और बीज वाले पोर्शन को हटा देंगे। इसी तरह से सारे सब्जियों को कट कर ले और लंबा लंबा या स्क्वायर आप जिस तरह से रखना चाहें उस तरह से आप रख सकते हैं, लेकिन ये बीज को निकाल दें। इसमें आप ब्रोकली, पाइनएप्पल भी ऐड कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। ये सारी ग्रीन वेजिटेबल कट गए हैं और ये पनीर हमारा फ्रोजन था, इसे मैंने गर्म पानी में रखा। गर्म पानी में रखने से ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और पनीर टूटता नहीं है। तो इसके भी इस तरह से पीसेस बना लेंगे। इस तरह से सारे वेजिटेबल हमारे तैयार हो गए। अब इसे मैरिनेट करते हैं। सारे वेजिटेबल कटने के बाद इसमें डालेंगे 5 से 6 टेबलस्पून घी। मेल्टेड घी है, आप इसके जगह पे बटर भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून पिज्जा सीजनिंग, मैंने इसका यूज़ किया है, और 1 टीस्पून नमक। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले। अदरक लहसुन अगर आप ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहते तो अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें अवॉइड भी कर सकते हैं। घी या बटर के जगह पे आप यहाँ पे ओलिव ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। सारे वेजिटेबल और स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करके इसे कवर करके 1 घंटे के लिए रख देंगे, उसके बाद बारबेक्यू करेंगे। लेकिन अगर आपको ज़्यादा टाइम के बाद बनाना है, जैसे मॉर्निंग में मैरिनेट किया और इवनिंग में बनाना है, तो इसे फ्रिज में रख दें, फ्रीजर में नहीं। फ्रीजर में रखने से क्या होता है, वो आइस जम जाते हैं और फिर उसका अच्छे से बारबेक्यू नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे पनीर को मैरिनेट करेंगे। पनीर मैंने यहाँ पे 400 ग्राम लिया है, इसके बड़े बड़े क्यूब्स बना लिए हैं। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून हंग कर्ड और 1 टेबलस्पून भर के फ्रेश मलाई, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून सीजनिंग, पिज्जा वाले जो सीजनिंग आते हैं, और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को इस तरह से हाथ से रख करके और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हाथ से करेंगे जिससे सारे पनीर में अच्छे से ये लग जाए मसाला। इस तरह से अच्छे से कोट कर लें, इसे मिक्स करके और कवर करके 1 घंटे के लिए छोड़ दें। बारबेक्यू चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिया है 500 ग्राम चिकन। इसको अच्छे से साफ करके धो लिया। इसमें डाला 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून पिज्जा सीजनिंग, 1 टीस्पून लाल मिर्ची के पाउडर, थोड़ा सा
ब्लैक पेपर स्प्रिंकल करेंगे हाफ टी स्पून के करीब। एक टीस्पून के बराबर डालेंगे कसूरी मेथी क्रश करके। एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और यहाँ पे मैंने एक कप दही को हंकर्ड किया। हंकर्ड करने के लिए मैंने रात में इसे चाय वाले जो छन्ने होते हैं उसी पे डाल करके इसे रख करके और फ्रिज में रख दिया था। तो ये हमारा हंकर्ड रेडी है, इसको इसमें डालेंगे, चिकन में मिक्स करेंगे। मैरिनेशन के लिए कम से कम एक घंटे का टाइम चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स करके और कवर करके एक घंटे के लिए रख देंगे और फिर बारबेक्यू करेंगे। और अगर ज़्यादा टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के बाद बनाना है आपको, जैसे इवनिंग में बनाना है, तो सबको मिक्स करके इसे कवर करके और फ्रिज में रख देंगे। इसको फ्रीजर में नहीं रखेंगे, नहीं तो इसका आइस जम जाएगा तो बारबेक्यू अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब सारे मैरिनेटेड वेजेज पनीर और चिकन को स्क्यूअर में डालेंगे। कोयले जब अच्छे से जल जाए तो उसके ऊपर जाली डाल करके इसे सेकेंगे जब तक कि इसका एक अच्छा कलर ना आ जाए। और जब ये कुक होने लगे, अच्छा सा कलर आने लगे, तो इसके ऊपर से मेल्टेड बटर से ग्रीस करेंगे। अब ये बारबेक्यू के पनीर, चिकन और कुछ वेजेज तैयार हैं। इसे चटनी और सॉस के साथ सर्व करें। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक देना ना भूलें। फिर मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।